नारी ने अपने श्रम से कला के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इनमें से कुछ ऐसी देवियां हैं जो मानव जाति के लिए एक मिसाल बन गई है और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि समाज एवं समाज के बंधन उनके हाथों का महज एक रंग और कागज है। आज हम एक ऐसे ही हस्ती के बारे में जानेंगे। कहते हैं कला कुरूप चीजों को भी जन्म देती है, लेकिन वह कुरूपता समय के साथ खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ही एक इंडियन आर्टिस्ट है जिन्होंने सारे बंधन तोड़ के ऐसे विषयों में हाथ डाला है कि उनका काम पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ गया। जिनके काम का दायरा विशाल है, जो पेंटिंग, स्थापत्य, इंस्टॉलेशन, पोएम, साउंड, म्यूजिक और परफॉर्मेंस तक फैला हुआ है। सोशल रिलेशनशिप एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के आभास और वास्तविक रूपों को उपयोग करते हुए शी क्रिएट्स वर्क फंडामेंटली एज अ परफॉर्मर। इनका काम स्पॉन्टेनियस भी है और प्री मेडिटेटेड भी है। जो प्रेजेंटली बंगाली पोएट भी है एंड हर बंगाली पोएट्री हैज बीन पब्लिश्ड इन कलेक्टेड वॉल्यूम्स एज वेल एज इन मैगजीन्स एंड जर्नल्स सिंस शी वॉज अ यंग एडल्ट। इनका नाम है मिथुन सेन, एक इंडियन कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट। मिथुन सेन का जन्म 1971 में वेस्ट बंगाल में हुआ। अपने बचपन को याद करते हुए मिथुन सेन बताते हैं, मेरी डार्क कलर स्किन के लिए लगातार मेरी तुलना अन्य लड़कियों के साथ और मेरी बहन जो मेरे से फेयर कलर में है उनके साथ की जाती थी। किसी ने मुझे यह तक कहा था कि गुलाबी यानी पिंक कलर मेरे लिए नहीं बनाया गया। इस चीज का मिथुन सेन पे बचपन में इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने गुलाबी रंग का इस्तेमाल करने से परहेज किया। लेकिन जब कई साल बाद जब वो गुलाबी कलर के पास पहुंची, वह एब्सोल्यूट पैशन के साथ था। आज चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कोलाज हो या कोई वीडियो हो, गुलाबी रंग मिथुन की कला में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और स्त्रीत्व, फेमिनिज्म और एरोटिज्म की पारंपरिक धारणाओं को सवाल उठाता है। मिथुन सेन अपनी कला के जरिए फेमिनिज्म, पॉलिटिकल, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज पहचान से जुड़े टॉपिक्स पर समाज द्वारा थोपे जा रहे रवैये पर सवाल उठाती है। उनकी कई कलाकृतियों में शारीरिकता आउटस्पोकन होकर उभरती है। इस बहाने मिथुन लोगों को जटिल मुद्दों पर सोचने पर विवश करती है। अक्सर इरोटिकल एंड इमोशनली रूप से चार्ज इमेजिनरी के लिए जाने वाली मिथुन सेन का नाम डिस्टेंस और इंटीमेसी के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिसे वो खुद रेडिकल हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। मिथुन सेन वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू बी अवॉर्डेड द स्कोडा प्राइज इन 2010 फॉर इंडियन कंटेम्प्ररी आर्ट। इन 2015 शी ऑल्सो वन द प्रूडेंशियल आई अवॉर्ड फॉर द बेस्ट इमर्जिंग आर्टिस्ट यूजिंग ड्रॉइंग। मिथुन सेन एक नामी कलाकार जो अब नई दिल्ली भारत में काम करते हैं और वहीं पर स्थित है। You know, like the phantom pain means like the pain with a memory or a memory of a pain. So it doesn't really exist in your body anymore, but it gives you or reminds you of some kind of pain you had it in past. And in a very personal way, I don't always completely associate teeth with that kind of physical violence and pain, but it can be also a very simple experience, a personal experience of my own life, like how the teeth are, you know, teeth, tongue and mouth, they're also associated with the, you know, with the producing your words, your sounds, your language. वे कहते हैं, I don't think I'm a master of anything. I don't really try to become one. Skill is a trap for me. The more and more I master something and create an identity, that really bothers me. As a living person, why should I define my identity when I'm still evolving?
How any women artists are associated with the, you know, idea of body parts. And for me, you know, when I started like around 2000-2001, using teeth or blood or human hair was, you know, just taking a fragmented part of a fundamental human body part. It was not just, you know, you cannot define or separate any kind of gender or, you know, like race or sex or, you know, like even the skin color, the nationality. So there is no, you know, differences of identities, you know, by just by seeing a teeth, tooth or, you know. So it's rather more universal. So in a, so I wanted that kind of unique to use in my work as a tool of, you know, like to communicate or to express my idea of not believing in differences.